नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूँ आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है जालौन से। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकर फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर उप संभागीय परिवहन अधिकारी और वाणिज्य कर अधिकारियों ने अलग अलग स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। उप संभागीय परिवहन अधिकारी उमेश कुमार सिंह ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान दो ट्रक जिनमें तूरी लदी हुई थी, जिन पर 65,000 का जुर्माना लगा है। साथ ही एक ओवरलोड बालू से लदा हुआ ट्रक जिस पर 60,000 के आसपास का जुर्माना लगा है, यानी कि तीनों वाहनों पर लगभग 2.25 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। साथ ही वाणिज्य कर अधिकारी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की किलोमीटर संख्या 197 के आसपास भी सघन चेकिंग अभियान चलाया है, जहाँ पर उन्होंने एक ट्रक पकड़ा है जिस पर एक मिलावटी तेल की संभावना जताई जा रही है, उसमें मिलावटी तेल है, और एक पिकअप गाड़ी जिस पर लोहे का कुछ सामान लदा हुआ था उसको भी पकड़ा है। दोनों वाहनों के संचालकों से जब जुर्माने का पत्र मांगे हैं तो वो पत्र नहीं दिखा पाए, लिहाजा दोनों वाहनों को वाणिज्य कर विभाग ने और तीनों वाहनों को उप संभागीय परिवहन अधिकारी यानी पांचों वाहनों को जालौन कोतवाली में खड़ा कराया गया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन कपिल कुमार के साथ जालौन से मैं देवेश। भिंड से आ रहे थे साहब जी, यहाँ जा रहे थे अलीगढ़। अलीगढ़ तो किस विभाग ने पकड़ा है? आरटीओ ने पकड़ा। क्या लदा हुआ है आपकी गाड़ी में? तुरी लदी हुई है। कितना जुर्माना लगाया उन्होंने इस पे? 65,000। अच्छा, आपका क्या नाम है? रिजवान। अच्छा, आपकी भी गाड़ी में तुरी लदी हुई? अच्छा, आपको कितना जुर्माना है? 65,000 आपका। आप भी वही भिंड से अलीगढ़? सेम टू सेम। संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628।